भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने दो गांजा तस्कर को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 50 किलो गांजा बरामद किया है। शनिवार को सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने 0 माइल थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए गांजा तस्करों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि शहर में नशीले पदार्थों की तस्करी कर बड़ी खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद 0 माइल थाना अध्यक्ष राज रतन के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने विक्रमशिला सेतु बाईपास के समीप सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कटिहार की ओर से आ रहे लोरी को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान लोरी से 3 बोरे में बंद कई पैकेट गांजा बरामद हुआ। जब्त किए गए गांजा की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए लगाई जा रही है। डीएसपी ने कहा कि पकड़े गए दोनों तस्करों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि 2 गाड़ियों में गांजा लेकर के तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष औद्योगिक प्रक्षेत्र ने मेरे निर्देश पर एक टीम बनाया, जिसमें सवौर थे और इनके पदाधिकारी थे। दो लोगों ने बाईपास पर 2 गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें से 1 गाड़ी में 25 और दूसरी गाड़ी में 25 पैकेट गांजा बरामद हुआ। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों का नाम है पंकज कुमार, बाप का नाम लक्ष्मण मंडल, साकिब नवाबगंज बासा टोला थाना कुरसेला जिला कटिहार। दूसरे आदमी का नाम है मोहम्मद मुराद, पिता शमशाद, रहमत नगर थाना सुल्तानगंज जिला भागलपुर। जो गाड़ी बरामद की गई है वो है एक सफ़ेद रंग के अम्बेसडर, नंबर है WNF 4336। फिर से सुन लीजिए, सफ़ेद अम्बेसडर WNF 4336। दूसरी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है, सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिजायर, नंबर है इसका BR07V 6687। दोनों गाड़ियों में छिपा करके बहुत कायदे से लाया गया था। जैसे ये पहली बार देखा गया कि अम्बेसडर के लाइट वाले पोर्शन में छिपा के रखा गया, लेकिन थानाध्यक्ष 0 माइल राजरतन ने बहुत बेहतरीन काम किया और पूरी बरामदगी और गिरफ्तारी भी सभी की हुई। कहाँ ले जाया जा रहा था? ये कुरसेला के रहने वाले हैं, जो पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये कुरसेला ले जा रहे हैं। कुरसेला अभी ये बता रहे हैं, सत्यापन की बात है कि हम उड़ीसा से ला रहे थे। कितना है सर? 50 किलो उड़ीसा बता रहे हैं, सत्यापन किया जाएगा। अभी ये तो एक्साइज से बात करनी होगी। पैकेट 50 है, 1 किलोग्राम का जो आप देख पा रहे हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र में कोरोना वायरस लगातार पांव पसार रहा है। जिले भर में 400 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। राहत भरी खबर यह है कि करीब 300 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के झौवा कोठी, खरमनचक, पर्वती, मिर्जानहाट, बरेपुरा, इस्लाम नगर, तिलकामांझी, लालबाग, मालवाड़ी टोला और शिवपुरी कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। वहीं सभी कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के आवास को केंद्र मानते हुए सील कर दिया गया है। शनिवार को वार्ड नंबर 33 के इस्लाम नगर की 3 गलियों को उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने सील कर दिया। उपनगर आयुक्त ने बताया कि बरेपुरा में पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ आवश्यक सेवाएं जिला प्रशासन के निर्देश पर बहाल की जाएगी। वहीं हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे वार्ड नंबर 33 के कई इलाकों में शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। नगर निगम के उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि शहरी क्षेत्र में पहली बार 17 दिनों के अंदर 8 मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही उपनगर आयुक्त ने इस्लाम नगर में हुई शादी समारोह में शामिल लोगों से स्वेच्छा से कोरोना की जांच कराने की अपील की है। वहीं सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि जिन इलाकों को सील किया गया है वह 21 दिनों तक बंद रहेगा। लॉकडाउन जब से 3 जून के बाद प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के अब तक 8 जगह को हम लोग कंटेनमेंट जोन बना चुके हैं और अभी कोरोना पॉजिटिव के मामले जो हमारा बरहपुरा का इस्लाम नगर है वहाँ चिन्हित हुआ है, उसको हम लोग लेटेस्ट कल हम लोगों ने उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहाँ के एरिया को सील किया है। मैं वहाँ के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसी विश्वस्त सूत्रों से ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ पार्टी में लोग भाग लिए थे और उसके कारण से संक्रमण होने की संभावना दिख रही है, तो वैसे लोग जो उस पार्टी में भाग लिए हैं
तो उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि स्वतः प्रशासन को सहयोग करते हुए जो यहाँ जांच केंद्र है वहां जाकर के अपना जांच करवा लें। भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर शनिवार को जन आवाज सेना से जुड़े लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने समाहरणालय गेट के सामने घंटी बजाकर एवं शंख फूंककर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का विरोध किया। इस दौरान सदस्यों ने जिला प्रशासन, नगर निगम, सांसद और विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी की। संयोजक ओम भास्कर ने कहा कि सालों भर दक्षिणी क्षेत्र के लोग भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव से परेशान रहते हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं समाज सेवी प्रकाश चंद्र गुप्ता ने कहा कि जल्द अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर रवि शेखर, नीतू सिंह, अभिजीत गुप्ता, कुणाल सिंह, तकी अहमद जावेद, पिंटू दत्ता समेत कई लोग मौजूद थे। भोलानाथ पुल जो बरसों से उपेक्षित पड़ा हुआ है, उस पर फ्लाई ओवर बनाने के लिए, दक्षिण से उत्तर के क्षेत्र को जोड़ने के लिए जो जन आवाज सेना लगातार आंदोलन कर रही है, उसका यह दूसरा आगाज है। इसके पहले भी हमने अनेक कार्यक्रम किया था, लेकिन बजट पारित होने के बाद भी, स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी तक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हुआ है। जेएस एजुकेशन भागलपुर के छात्रों ने एक बार फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा में अपना परचम लहराया है। इस बार कुल 22 छात्र छात्राओं ने निफ्ट परीक्षा में बाजी मारी है। वहीं सभी सफल छात्रों ने शनिवार को संस्थान में आकर अपनी खुशी का इजहार किया, साथ ही अपने शिक्षकों से आशीर्वाद लिया। जेएस एजुकेशन के डायरेक्टर राजीव कांत मिश्रा ने बताया कि इस बार तीसरे चरण की परीक्षा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाई, जिसके कारण रिजल्ट दो परीक्षाओं के आधार पर निकाला गया। राजीव कांत मिश्रा ने कहा कि तीसरे चरण की परीक्षा में हस्तशिल्प कला की परीक्षा होती है। इसमें भागलपुर के विद्यार्थी काफी सिद्धस्त होते हैं, लेकिन इस परीक्षा के नहीं होने से छात्रों को उनकी प्रतिभा के अनुसार स्थान नहीं मिल पाया। वहीं छात्रा आर्या राज ने बताया कि हम लोग अपने रचनात्मक तरीके से देश की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, साथ ही भागलपुर की मंजूषा कला को विश्व में अलग पहचान दिलाएंगे। निर्देशक राजीव कांत मिश्रा ने बताया कि जेएस एजुकेशन पिछले 19 वर्षों से लगातार विभिन्न फैशन संस्थानों में बच्चों को भेज रहा है और यहाँ के विद्यार्थी विश्व के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। मौके पर सोनी सागर, दिव्या, नेहा, सौरभ, अभिषेक, रोशन समेत कई छात्र छात्रा मौजूद थे। प्राउड फील कर रही हूँ, अच्छा मोमेंट है राजीव सर के लिए भी, जेएस एजुकेशन के लिए भी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी। काफी मेहनत, मतलब मैंने भी किया और हमारे सर ने, जेएस एजुकेशन ने काफी साथ दिया मेरा, मेरे रिजल्ट में एक कमी रह गई, सिचुएशन टेस्ट नहीं हुआ, नहीं तो शायद रिजल्ट और रैंक में काफी बढ़ोतरी होती मेरे और सबके में, और ऑल इन ऑल बहुत अच्छा था। इस बार का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा है, हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे यहाँ 20 से ज्यादा, लगभग 22 अभी तक रिजल्ट आ चुके हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग्स भी अच्छा रहा है। लेकिन इस बार एक थोड़ी परेशानी ये हो गई कि कोरोना के कारण जो थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, सिचुएशन टेस्ट, वो नहीं हो पाया और उसके नहीं हो पाने की वजह से रिजल्ट इनको कैट और एसटी, गैट और कैट पर ही देना पड़ा। इसकी वजह से बच्चे अपना हैंडीक्राफ्ट्स का पूरा हुनर नहीं दिखा सके तो रैंक में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी बात है कि इस कोरोना महामारी में जब तक कि लोग रिकवर करेंगे और आगे पूरा संसार जब इससे जूझता होगा, तब तक ये बच्चे तकनीकी रूप में अपने आप को मजबूत करेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने शनिवार को सेंट्रल लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। कुलपति ने पुस्तकालय के सभी कमरों, शाखाओं और भवनों को बारी बारी से देखा। कुलपति ने केंद्रीय पुस्तकालय के रीडिंग रूम, पत्रिका विभाग, ग्रंथ प्रकोष्ठ, संदर्भ विभाग, शोध शाखा, साइबर लाइब्रेरी, बुक्स गैलरी सहित कई शाखाओं को बारीकी से देखा और उसका निरीक्षण किया। इसके बाद कुलपति ने सेंट्रल लाइब्रेरी को व्यवस्थित बनाने और छात्रों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को दिया। कुलपति ने लाइब्रेरी के इंचार्ज को रूषा के सहयोग से फर्श पर टाइल्स लगाने और सीलिंग का कार्य करवाने की बात कही। इस दौरान प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने सभी थीसिस की सीडी को शोध गंगा के वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। मौके पर कुलपति ने केंद्रीय पुस्तकालय के इंचार्ज डॉक्टर इकबाल अहमद से पुस्तकालय की व्यवस्था एवं गतिविधियों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कुलपति के साथ रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह एवं पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम कार्यालय के आधार कार्ड काउंटर को तत्काल बंद करा दिया गया है। शहर में लगातार कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निगम प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उपनगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है।
साथ ही अगले आदेश तक काउंटर को बंद रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रतिदिन निगम कार्यालय में आधार कार्ड सेंटर पर काफी लोगों की भीड़ जुट रही थी, जिसके कारण कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया था। इधर निगम प्रशासन ने आधार कार्ड काउंटर तो बंद कर दिया है, लेकिन कार्यालय आने जाने वाले किसी भी कर्मी या आम लोगों के लिए हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं की है। हम लोगों ने ऐसा पाया कि अनलॉकडाउन 1 जब स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में, अधिकांश वार्डों में कोरोना पॉजिटिव के मामले दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां से लोग हमारे यहां आधार कार्ड बनाने के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे मोहल्ले को लोग आ रहे थे जहां वास्तव में सील किया गया है, उसके आसपास के लोग आ रहे थे। तो इस आशय का हमारे कर्मियों में भय व्याप्त हो गया था कि कहीं न कहीं संक्रमण का हम लोग शिकार ना हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो कर्मी हैं उनमें भय व्याप्त नहीं हो और वो अपने स्वच्छंद विचार से और भय मुक्त होकर के काम कर सकें, इसके लिए हम लोगों ने आज एक दिन के लिए अभी तत्काल स्थगित रखा है। आगे मंडे का जो वर्किंग डे होगा उसमें हम लोग फिर समीक्षा करके जरूरत होगा तो आवश्यकतानुसार या तो बंद रखेंगे या लगेगा कि नहीं हम लोग इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है, और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें।
कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी सर्दी या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक ने अब कलम की जगह हथियार तस्करी का काम शुरू कर दिया है। यह बात सुनने में काफी अटपटी लग रही है, लेकिन सच्चाई भागलपुर की है, जहां बीपुर लत्तीपुल निवासी प्रदीप रविदास को भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर हनुमान मंदिर के समीप ग्रामीणों ने हथियार के साथ पकड़ लिया। हथियार तस्कर प्रदीप रविदास लत्तीपुर मध्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक है, जो हथियार तस्करी में लिप्त बताया जा रहा है। दरअसल प्रदीप रविदास के बाइक की टक्कर जगतपुर बाईपास के समीप एक स्कूटी से हो गई, जिसके बाद स्कूटी सवार गाड़ी मरम्मती के लिए प्रदीप से पैसे मांगने लगा और इसी बीच ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इस दौरान ग्रामीणों की नजर शिक्षक के बैग पर पड़ी, जिसमें कार्बाइन और मैगजीन बरामद हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदीप रविदास को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और जमकर धुनाई कर दी और मामले की सूचना लोदीपुर पुलिस को दी। सूचना पाते ही लोदीपुर थाना अध्यक्ष दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और हथियार तस्कर शिक्षक को गिरफ्तार कर थाना ले गए। वहीं घटना की जानकारी पुलिस के वरीय अधिकारियों को मिली तो डीएसपी विधि व्यवस्था निशार अहमद ने लोदीपुर थाना पहुंचकर गिरफ्तार हथियार तस्कर से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शिक्षक प्रदीप रविदास का ससुराल भागलपुर लालूचक अंगारी में है और वह पूर्व में भी प्रमुख अरविंद चौधरी गोलीकांड में अभियुक्त रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार विधानसभा की सुगबुगाहट तेज होने के साथ ही एक बार फिर से बिहार में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर एनडीए एवं महागठबंधन के खिलाफ वंचित समाज पार्टी समेत 17 दल एकजुट होकर तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे के गठन में वंचित समाज पार्टी की भूमिका को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। भागलपुर कहलगांव के पार्क चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान राहुल कुमार के नेतृत्व में पार्टी के मुखिया रतन मंडल के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर गोरा पासवान, अभिषेक सागर, उज्जवल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर जोकसर थाना क्षेत्र मानिक सरकार रोड निवासी रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर संजीव कुमार मिश्र के पुत्र तुषार तरुण ने जहर खाकर आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी मौत सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई थी। तुषार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। डॉक्टरों ने तुषार की मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया है, साथ ही किसी ठोस चीज से चोट लगने के कारण सिर की हड्डी भी टूट गई थी। तुषार का बीसरा जब्त कर लिया गया है, जिसे केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मामले में आत्महत्या के साथ हत्या की संभावना पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वहीं घटना की नए सिरे से जांच के लिए जोकसर थाना प्रभारी विश्व बंधु की जगह कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विश्वास को केस का आईओ बनाया गया है। इसके पूर्व तुषार के पिता डॉक्टर संजीव कुमार मिश्र ने बेटे की जहर खाने से मौत होने का मामला जोकसर थाना में दर्ज कराया था। साथ ही तुषार की पत्नी समेत कई लोगों पर तुषार को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सीटीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने सिटी डीएसपी राजवंश सिंह को घटना की गहराई से जांच करने के साथ घर के सभी सदस्यों का बयान लेने और हर एक बिंदुओं पर पड़ताल करने का निर्देश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ, जीआरपी एवं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्था की ओर से युवाओं को नशे के सेवन से दूर रहने, कोरोना वायरस से सतर्क रहने एवं आम लोगों को भी नशा से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आरपीएफ प्रभारी अनिल कुमार सिंह, जीआरपी प्रभारी अरविंद कुमार एवं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने कहा कि सुखमय जीवन के लिए नशे से दूर रहना बेहद आवश्यक है। नशा के कारण लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति जन्म लेती है। उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए नशे के सेवन से दूर रहने की अपील की। मौके पर मनोज बुधिया, प्रकाश गोयंकार, राजेश टंडन, डॉक्टर मिन्हाज आलम सहित कई लोग मौजूद थे। विश्व मद्य निषेध दिवस पर एक अपील है देश की जनता से, विश्व में खासकर नशा के सेवन से लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, लाखों लोगों को कैंसर्स हो रहे हैं। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री के संघ के अध्यक्ष, एक सामाजिक संस्था है इनकी, और पूरे देश में भागलपुर हो चाहे अपना बिहार में जितना रेलवे स्टेशंस है, जितने जोन्स हैं, सभी जगह जा कर के इन्होंने, खासकर हमारे रेल में, हर जगह इन्होंने जागरूकता, नशा खुरानी हो
या यात्रियों को अलर्ट रखने की संभावना हो या नशा मुक्ति के संबंध में हो, हर प्रकार का ये कार्यक्रम चलाते हैं और इसमें इनका बहुत सहयोग है। राष्ट्रीय मद निषेध दिवस है केंद्रीय रेलवे यात्री संघ की तरफ से, जिसके अध्यक्ष हैं विष्णु खेतान जी। ये काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं इसमें, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं ताकि लोग नशाखुरानी का शिकार ना हो जाएं ट्रेन में चलते समय। अंतर्राष्ट्रीय मद निषेध दिवस था और ये कार्यक्रम राजकीय रेल पुलिस RPO व GRP और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के तत्वावधान में हुआ स्टेशन पर, और हम लोगों ने सबको जागरूक करने का काम किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई भी चीज़ ना खाए ना पिए, जिससे वो नशे के शिकार हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से शनिवार को केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने गोराडी प्रखंड के हटिया चौक के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अविलंब सरकार से बढ़े हुए मूल्यों को वापस लेने की मांग की। मौके पर मोहम्मद सज्जाद, पंकज यादव, राजकुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग का मांग है राष्ट्रीय जनता दल परिवार का कि जो डीजल पेट्रोल का दाम में बेतहाशा वृद्धि हुआ है, इस मूल्य वृद्धि को केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि से सभी चीज़ों का दामों पर फर्क पड़ेगा। ये गरीब विरोधी सरकार का परिचायक है केंद्र सरकार। इधर पीरपैंती शेरमारी चौक पर भी राजद नेताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। पेट्रोल एवं डीजल के दामों में वृद्धि होने से और भी कई चीजों के दामों में वृद्धि होगी, जिससे गरीब जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौके पर रमेश रमन, अभिमन्यु सिंह, मंजीत ठाकुर, विपिन ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। उनको किसी भी प्रकार का मदद नहीं कर रहे, वो आत्महत्या कर रहा है और सरकार कान में रुई दे करके जो है बैठी हुई है, कोई ध्यान नहीं है। और इसलिए आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर जिला में तमाम प्रखंड में आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का जो है पुतला दहन कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज किया गया है। वहीं सनहौला प्रखंड के सनोखर चौक पर राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। डीजल पेट्रोल की कीमत में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ पुतला दहन कर राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस मौके पर अभिमन्यु सिंह, शिव कुमार शाह समेत कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर मायागंज अस्पताल ब्लड बैंक में शनिवार को रोटरी विक्रमशिला पिंक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना काल में रक्त की कमी होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी होती है। इसको देखते हुए क्लब के अध्यक्ष किरण गोस्वामी एवं पूर्व अध्यक्ष चंदना चौधरी के नेतृत्व में क्लब के सदस्यों ने रक्तदान किया। किरण गोस्वामी ने कहा कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए सभी ने रक्तदान किया है और सभी स्वस्थ लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। मौके पर डॉक्टर रेखा झा, अंजना प्रकाश, बबीता शाह, डॉक्टर दिव्या, पल्लवी शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। बांका बाराहाट प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को CO संवेदक एवं कनिया अभियंता के खिलाफ ग्रामीणों ने धरना दिया। कार्यों में बरती जा रही अनियमितता के विरोध में प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि बाराहाट के पथरा पंचायत पनपिया पोखर एवं बांध का कार्य जल जीवन हरियाली योजना के तहत होना था, लेकिन अधिकारी एवं संवेदक लगातार अनियमितता बरत रहे हैं। साथ ही कहा कि सभी अधिकारियों को लिखित जानकारी देने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। गौरतलब हो कि 92,13,000 रुपए की लागत से पोखर एवं बांध का निर्माण कार्य 24 मई 2020 को प्रारंभ हुआ, लेकिन एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी मिट्टी कटाई का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। संवेदक अक्षय कुमार और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने CO एवं असामाजिक तत्वों की मिलीभगत से पनपिया बांध का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। दो मुद्दा है, एक तो ये अतिक्रमण का है और एक संवेदक द्वारा जो है मिट्टी कटाई का काम ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है और वहाँ अभी पथरा बांध में पोखर में जो है 30% काम 25% काम शुरू
खत्म हुआ है और बांध में 10% कम हुआ है और वह काम और कहता है कि संवेदक के द्वारा और कनीय अभियंता के द्वारा बोला जाता है कि काम जो है समाप्ति की ओर है।